तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यहाँ पे टेक जाधव यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यदि हमसे कोई फोटो डिलीट हो जाता है तो डिलीटेड फोटो को हम वापस कैसे प्राप्त कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं दो तरीका बताने वाला हूँ। पहला जो तरीका होगा कुछ सिंपल होगा, लेकिन दूसरा तरीका कठिन है। लेकिन दूसरा वाला तरीका आपका सब फोटोज भी वापस ला देगा, पहला वाला भी तरीका बहुत अच्छा है। आए दोनों तरीक़ा के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। तो आए देर क्यों करेंगे, जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट और समझ लेते हैं कैसे कैसे क्या करना है। दोस्तों हमको करना क्या होगा, एक बात आपको बताना चाहूँगा, यदि मेरी वीडियो पसंद आएगी तो आखिरी में लाइक करेगा आपका फोटो रिकवर होने के बाद। यदि पसंद नहीं आती तो वीडियो को लाइक मत करेगा दोस्तों, वैसे आपकी मर्जी। समझ लेते हैं पहले कैसे कैसे क्या करना है। जैसे हम गैलरी में यदि अपने जाते हैं यहाँ पर, तो कुछ फोटोज हमारे जो होते हैं वह यहाँ पे डिलीट हम कर देते हैं। जैसे गलती से भी हो जाता है, बच्चे कर देते हैं। जैसे आप मान लीजिए चार फोटो मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, ठीक है। तो जैसे हम डिलीट कर देते हैं, अब फोटो हमको वापस कैसे मिलेगा। तो दोस्तों आजकल जो नए फ़ोन आ रहे हैं उसमें कुछ अलग फीचर्स देखने को मिल रहा है। जैसे आप यहाँ पर ऊपर फोटोज़ का ऑप्शन होगा और एल्बम का ऑप्शन होगा। जैसे एल्बम वाले ऑप्शन में जाएंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ट्रेस का या दोस्तों डिलीटेड फोटो का। जैसे आप साइड में आप देख पा रहे हो, इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा। या दोस्तों अदर एल्बम में जाएंगे तो यहाँ से देखने को मिल जाएगा ट्रेस का या डिलीटेड फोटो का ऑप्शन, ठीक है। लेकिन मेरा दोस्तों जो फ़ोन है वह थोड़ा ओल्ड है, अभी अपडेट नहीं है, इसकी वजह से मेरे में फीचर नहीं है। लेकिन मेरे दूसरे वाले फ़ोन में फीचर है। तो इस पर आपको क्या करना होगा, उस पर यदि आप ट्रेस फाइल या डिलीट फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, आप जितना फोटो डिलीट किए हो 30 दिन के अंदर का फोटो यहाँ पे दिखाया जाता है, और उस फोटो पे टैप करके क्लिक करके और रिकवर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका फोटो वापस से रिकवर हो जाएगा, आपकी गैलरी में चला जाएगा और जिस फाइल में जहाँ से आप डिलीट किए थे वहीं जाके वो सेटल हो जाता है, वहीं फोटो चला जाता है। यह था पहला तरीका। दूसरा जो तरीका है, किसी एक ऐप की मदद से आप कर पाएंगे इस फोटो को रिकवर। तो आए उस ऐप के मदद से हम फोटो को रिकवर करते हैं। तो वह कौन सी एप्लीकेशन है, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसके मदद से आप ओपन करेंगे उस मतलब ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उस ऐप को ओपन कर देना है। जैसे इस ऐप को ओपन करेंगे आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, स्टार्ट बेसिक फोटो स्कैन पर फर्स्ट ऑप्शन इस पर आपको क्लिक कर देना है, अलाउ कर देना होगा ताकि अच्छे से काम करें। अब मेरे जितने भी डिलीटेड फ़ोटो हैं सभी के सभी देख सकते हैं रिकवर कर रहा है। ये सब मेरे फ़ोटो बहुत टाइम पहले यहाँ पे डिलीट कर दिए गए थे, मैंने अपने फ़ोन से स्टोरेज मेरा भर गया था तो कर दिए थे। लेकिन देखिए मेरा सभी का सभी फ़ोटो वापस से मेरी गैलरी में आ रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक है। आपको क्या करना है, मेरे बहुत सारे फ़ोटो हैं तो यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ पे रिकवरिंग में। आपको भी ऐसे टाइम देना होगा क्योंकि आपकी भी गैलरी से बहुत ज़्यादा फ़ोटो डिलीट हुए होंगे। तो हमको करना क्या होगा, जिस फ़ोटो को चाहिए, या दोस्तों यहाँ पे 3.3 बिंदु दिख रहा है, इस पर क्लिक करके सेलेक्ट आल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा रिकवर का, इस पर क्लिक कर देंगे। मतलब टोटल फाइनल हो जाने के बाद, टोटल जब स्कैन कर लेगा तब रिकवर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ से आपके फोटो डिलीट थे सारे के सारे वहाँ पे चले जाएंगे, मतलब वापस से गैलरी में आ जाएंगे। तो इस तरह से करेंगे तो आपका फोटो रिकवर हो जाएगा। यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय दोस्तों।